गंगा जी का किनारा, ब्रज भाग, जय गंगा मैया। दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में मैं गंगा जी के किनारे, जो मेरी पहली नाव में बैठने की यात्रा थी, वो मैं आपको इसमें दिखाने वाला हूँ। तो आप वीडियो को एंड तक देखते रहिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आपसे मेरी विनती है। गंगा मैया जो कि हमारी माता हैं, और हम सभी भारतवासी गंगा मैया को माता कहकर पुकारते हैं, और माता रानी सभी भक्तों के कष्ट हरती हैं और उनका उद्धार करती हैं। तो ये जो है दिल्ली से मुरादाबाद को रोड जाती है, जिसके मध्य में एक स्थान पड़ता है ब्रज घाट। तो ये वहीं का नज़ारा है, जो काफ़ी बेहद खूबसूरत और अच्छा नज़ारा दिख रहा है। और आप इस वीडियो को देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए। और आपको यहाँ के आसपास की कहीं की वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कीजिए। ऐसा माना जाता है कि जो भी गंगा के पावन जल से स्नान करता है, उसके पाप दूर हो जाते हैं, उसके पापों का नाश हो जाता है। और प्राचीन काल में न जाने कितने लोगों का उद्धार गंगा जी में हुआ है। तो आप एक बार कमेंट में जय गंगा मैया जरूर लिख दीजिए। और अगर आप यहाँ पर आना चाहते हैं तो ये दिल्ली से मुरादाबाद को रोड जाती है, उस पर ये पड़ता है। आप यहाँ पर आइए, गंगा स्नान कीजिए, और यहाँ पर जो नाव वगैरह चलती हैं उनमें आप नौका विहार कर सकते हैं, जिसका चार्ज लगता है। ये चार्ज वहीं पर डिसाइड करते हैं वो लोग कि कितना लिया जाता है, 100, 50, 200। ये चार्ज घटता बढ़ता या कितना भी हो सकता है, ये सिर्फ वहाँ का मैनेजमेंट तय करता है, या फिर वहाँ के जो व्यवस्थापक हैं, ये सारी चीज़ें वहाँ पर तय की जाती हैं। माना जाता है कि प्राचीन काल में एक भागीरथ नाम के राजा हुए थे, जिन्होंने अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए ब्रह्मा जी की तपस्या करके गंगा जी को धरती पर लाने का प्रण लिया, और उसके बाद शिव जी की तपस्या करके उनको प्रसन्न करके कठिन तपस्या के बाद गंगा जी को धरती पर लेकर आए और उन्होंने अपने पूर्वजों का उद्धार किया। ये कहानी तो बहुत लंबी है, तो इस वीडियो में मैंने संक्षिप्त में आपको बताया। दोस्तों, ये मैं पहली बार नाव में बैठा था, तो मैं अपना अनुभव बता दूं। यहाँ पर मुझे काफ़ी अच्छा लगा, गंगा जी के जल के बीच में जाकर नौका में बैठ के गंगा माता के दर्शन करना, और वहाँ पर चारों तरफ एक मनमोहक नज़ारा देखना, जो कि बड़ा ही प्यारा लग रहा था, और काफ़ी खूबसूरत चीज़ें देखने को मिल रही थी। जैसे कि आप ब्रज घाट का जो घाट है उसे देख सकते हैं, और भी यहाँ पर रेलवे का भी पुल है, रोड पर रोड भी है जिस पर हमारे वाहन चलते हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर बड़ा ही मनमोहक दृश्य मुझे देखने को मिला। दोस्तों, अगर आप यहाँ पर आएं तो माता रानी के दर्शन करें, स्नान करें, और अगर इच्छा हो तो नौका विहार भी करें।
अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।